हमारे साथ आज अमित फौजी मौजूद हैं, जिन्होंने एनएसजी कमांडो के पद पर देश को गौरवान्वित किया है और देश की सेवा की है, कई मेडल जीते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे तमाम जानकारी आपको मिल रहे, तमाम खबरें मिलती रहें। और उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा जो अभी जीता है और जीत भारी मतों से जीत कर आए हैं, जनता का मन जीता है, उनसे बात करेंगे। आपका राजनीति में किस तरह से जुड़ाव हुआ? सबसे पहले तो मैं अपने जो न्यूज़ चैनल है फेस टुडे, इसको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने समय निकाल के जो मुझे समय दिया उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ दिल से। दूसरी चीज़ जो आपका क्वेश्चन है, ये दरअसल क्या है, मैं जब से मैंने होश संभाला शुरू से ही, तो मेरा क्या था, उस एज में जिस एज में लोग अपनी आगे की पढ़ाई ज्वाइन करते हैं, तो मैंने उस एज में आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। तो शुरू से ही मेरे अंदर एक भाव पैदा हो गया था कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है, अपने देश की रक्षा के प्रति अपनी सेवा भाव रखना है। तो वो जुड़ाव मुझे पहले से ही मिल गया, मेरे मन में वो भावनाएं पहले से ही जागरूक होगी। और फिर मैंने पेंशन आके सोचा कि यार क्यों ना, जब मुझे शुरू से ही मेरे ब्लड में और वो मेरी भावनाओं में संस्कारों में वो चीज़ भर चुकी है, तो मैं क्यों ना आगे यहाँ भी लोगों का उसी भाव सेवा से उसी प्रकार सेवा करके और सबकी समाज सेवा करूँ, ये करूँ। तो मैंने सोचा कि इसके लिए बेहतर कदम यही होगा कि थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हो जाए। राजनीति से जुड़ा होने से मुझे और भी थोड़े इशू पे बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ सपोर्टें मिल जाएंगी, तो मैं ज़्यादा बेहतर होके लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो आपकी क्या प्राथमिकताएँ हैं? जी, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो प्राथमिकता ली अपने गांव से ही ली। एक्चुअल जब मैं अपने दोनों गांव को देखता था, डेरी और छोटी को, तो मुझे रास्तों को लेके सबसे पहले ये सब चीज़ देख के मैं बाहर से अगर तुलना करता था। एक्चुअली एक छोटा सा टॉपिक मैं बता दूँ, मैं एनएसजी कमांडो से हूँ, तो मेरे बहुत रूट मेरे विदेश के भी हैं और देश में तो कोने कोने में मैं घुमाऊँ। तो मैंने जब अपने यहाँ को हर चीज़ को, वैसे भी अपने क्षेत्र को देखा, तो गाँव में देख के मुझे लगा कि यार रास्ते हम मतलब काफ़ी चीज़ों में पीछे हैं। क्यों हैं, देखो ये तो नहीं कह सकता मैं कि उसमें क्या कारण रहे हैं इसे, तो मेरे रास्तों को जितना हो सके मेरे क्षेत्र में उन रास्तों को लेके चलूँगा। उसके बाद शिक्षा का महत्व, भाई ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, हम सोच रहे हैं कि उन कम से कम उन स्कूलों में कुछ भी ना हो, कि वहाँ पर जो छोटी छोटी कमियाँ आ रही हैं उनको सुधारा जाए। लोगों ने क्या चुना, क्या आप अपने आप में क्या खास पाते हैं? सर इस चीज़ को तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बेहतर तो देखो मैं खुद को बेहतर कहने से तो बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को कुछ तो मेरे अंदर कुछ विश्वास या मेरी बातों के अंदर कुछ तो सच्चाई लगी होगी कि उन्होंने मुझे इतनी भारी वोटों से, यानी कि जैसे मान के चल रहे 5,000 का प्लस, और पहले ही बार में चुनाव में मैं उतरा और राजनीति का भी कोई ज्ञान नहीं होने के कारण, लेकिन फिर भी मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो कुछ तो देखो उन्होंने कुछ तो देखा होगा। बोलते ना कि एक सैनिक कि एक सच्ची पृष्ठभूमि होती है कि भाई एक सैनिक सच्चा होता है, तो उस धारा को ना, उस विचारधारा को बनाए रखूंगा लोगों के। जीतने के बाद आप क्या सोचते हैं कार्य क्षेत्र में किस तरह से? जी सर, जैसे अभी मेरे क्षेत्र में कुछ कार्यों पे काम शुरू भी हो गया है, कुछ सड़कों का निर्माण भी चल रहा है, ये बन रही है, तो उनमें भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, जा के चेक कर रहा हूँ कि भाई हाँ ये सड़क बन रही है, इसमें और क्या होना है, ले रहा हूँ सभी भाइयों से, अपने गांव के और मेरे क्षेत्र के जो गांव हैं उन लोगों से, उनसे पूछ रहा हूँ और फिर इसका समाधान खोज रहा हूँ। ये क्षेत्र में भी, चिकित्सक क्षेत्र में भी भाई कुछ भी नहीं है, तो हम उस क्षेत्रों में भी हम जरूर प्रयास करेंगे, जो अंतर कराएंगे भी, कहीं जैसे चिकित्सक पॉइंट बने हुए हैं, चिकित्सालय बने हुए हैं, अभी हमारे गांव में भी बने हुए हैं, तो जैसा देखा जाता है कि उनमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, चिकित्सक सुविधा किस कारणों से नहीं है, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि कोई अपने फर्स्ट एड टाइप में डॉक्टर साहब आएँ, कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, उनको देखें, जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें आगे विश्वास दिला सकता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मुझे तो आपका भी धन्यवाद बोलना चाहिए और फेस टुडे के लिए भी, कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे समय दिया और मेरी आवाज़ को आपने उन भाइयों तक भी पहुंचाया जो मुझसे अभी फिलहाल में जुड़े हुए भी नहीं हैं, तो मुझे बड़ा आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ आपका कि मुझे यही प्यार, यही सम्मान आगे भी मिलता रहेगा।